ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। यहाँ पर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का ही ध्यान में रखना है आपको। तो प्लांट, कोई भी एक प्लांट है या फिर फ्लावर बोल लो, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा एक, और एक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कुछ पॉलन ग्रेन निकलेंगे, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाएंगे, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाके एक नया जो प्लांट है उसको रिप्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये चीज़, ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। एक पार्ट होता है प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कुछ पॉलन ग्रेन निकलेंगे, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाएंगे आपके, और नया जो है, नया आपका नया कोई भी सीड प्रोड्यूस करेंगे, नया फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। तो वो चीज़ आपको इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीड करता हूँ मैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व, वन इज मेल एंड अदर वन इज फीमेल। तो ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, हम मैं डायरेक्ट पार्ट ऑफ अ टाइपिकल फ्लावर पे आता हूँ। तो एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर कुछ पार्ट्स है वो आपको याद रखने हैं। जैसे सेपल्स जो होता है, वो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, वो सेपल्स जो है आपका ग्रीन वाला पोर्शन होता है आपका। ओके, पेटल्स क्या होता है, पेटल्स आर इधर कलर्ड होते हैं या फिर जो है वो वाइट कलर के, जो कलरफुल पोर्शन होता है वो पेटल्स होता है आपका। ठीक है, फ्लावर के अंदर कोई भी कलरफुल पोर्शन अगर आप देखो उसको क्या बोलेंगे, पेटल्स। अब आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज स्टैमेन। यहाँ पर आप देखो ये लिख रहा है, यहाँ पर द स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब स्टेमन क्या होता है, ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, येलो फ्लावर के अंदर येलो वाला पोर्शन जो दिख रहा है वो होता है आपका स्टेमन। जो लॉन्ग ट्यूब है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं एंथर। इस एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स रहती है। ये एंथर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद इसमें से पोलन ग्रेन निकलती है। ठीक है, उनको स्पोर्स बोलते हैं। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अ स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नेरो फिलामेंट विद एन एंथर एट इट्स टिप। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स विच फॉर्म द मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन अपेयर एज पाउडरी मटेरियल ऑन द एंथर। ठीक है, मैंने बोला था वो एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन रहती है। अब पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल और कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब पिस्टिल देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर आप देखो बीच वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना फ्लावर में, बिल्कुल सेंटर में जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है उसमें उसको बोलते हैं पिस्टिल। और जो ग्रीन वाले पोर्शन में सबसे ऊपर टिप पर दिख रहा है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्टाइल, और जो लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं ओवरी। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका जो एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं, वो पोलन ग्रेन अगर किसी भी तरीके से इस स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर पहुंच जाए, तो इसमें फ्रूट प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं पॉलिनेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एंथर के अंदर, एंथर क्या है, एंथर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो आपके स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर पहुंच जाए, तो आपका फ्रूट प्रोड्यूस हो जाएगा, नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा मीन्स। ओके, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो द पिस्टिल और कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो हम पढ़ ही चुके हैं। द स्टाइल इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब राइजिंग फ्रॉम द ओवरी, द टिप ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड द स्टिग्मा। द ओवरी इज स्वेलन एट द बॉटम। ओवरी जो है बॉटम में रहती है आपकी। इट कंसिस्ट वन और मोर ओव्यूल्स रहते हैं। ओव्यूल कंटेन एक्सेल्स रहती है उसके अंदर। अच्छा, ध्यान रखना है, आपका जो है कुछ भी नया प्रोड्यूस होने के लिए एक तो मेल गेमिट का होना जरूरी रहता है, और ओवरी यानी प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है उसके अंदर नीचे ओवरी पाई जाती है। उस ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, एग पाए जाते हैं। जो पोलन ग्रेन और एग जो है रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं आपके। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आता है टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब देखो, एक होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, और होते हैं एसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, देखो, द फ्लावर विच कंटेंस इधर ओनली द पिस्टल और ओनली द स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
जैसे एसेक्सुअल और वो नहीं होते हैं सेक्सुअल, वैसे फ्लावर्स भी होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। ऐसे फ्लावर जिनमें या तो ना सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, वो होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल। और ऐसे फ्लावर मतलब फ्लावर विच कंटेंस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, मतलब ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाया जाता है, वो आपका क्या होता है, आपका बायोसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं आपके। ओके, तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला आया आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इन नेचर। पॉलिनेशन इन नेचर पॉलिनेशन अकर्स इन दिस टू वेज। ओके, तो मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, पोलन ग्रेन जो एंथर के अंदर पाई जाती है आपकी, जो एंथर से अगर वो स्टिग्मा से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाए। अब देखो दो चीज़ हो सकती है, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, पाउडर टाइप होता है वो, ठीक है। अगर वो पोलन ग्रेन या तो खुद के फ्लावर के स्टिग्मा में चल जाए या फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चल जाए, वो किसी भी तरीके से या तो खुद के फ्लावर के उसमें चल जाए या दूसरे के फ्लावर में चल जाए, बट जाना जरूर रहता है, तो इसको बोलते हैं अपन पॉलिनेशन, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर, जो एंथर है एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा और टू द सेम फ्लावर, या तो खुद के सेम फ्लावर के स्टिग्मा में चल जाए या अनदर फ्लावर के स्टिग्मा में चल जाए, इसको क्या बोलते हैं अपन पॉलिनेशन बोलते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द स्टिग्मा ऑफ अनदर और द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन है जो एंथर से है ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो ये होता है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। मतलब पोलन ग्रेन्स जो है या तो खुद के स्टिग्मा में चल जाए या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चल जाए, तो ये तो होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है आपका, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा और अ फ्लावर एंड द प्लांट द